हाय नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कैंपस जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जैसा कि आप लोगों को जॉब के रिगार्डिंग इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो आज भी आपको वही जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देंगे, जो कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश सर, और आपको इनसे सारा चीज़ कन्फर्मेशन होगा जो कि रियल रहेगा। अगर किसी भी तरह का इसमें डाउट आता है या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, सारी जानकारियां आपको मिलेंगे। इसके लिए जो है आपको लास्ट तक वीडियो देखने पड़ेंगे और आपको इसमें सारा इन्फॉर्मेशन मिला। वेलकम सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आप मुझे ये बताइए कि सर आज कौन सी कंपनी के बारे में आप बताने वाले हैं और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी, ये चीज़ बताइए। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। थैंक यू राहुल जी, मेरा नाम राकेश राजपूत है और मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। हमारे पास बहुत सारी न्यू कंपनीज आती हैं जॉब के लिए। अभी हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो कंपनी नोएडा की है। मैं उस कंपनी का नाम ओपन नहीं करूँगा यहाँ पे, बट मैं कंपनी के बारे में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दूंगा। तो राहुल जी हम स्टार्ट करते हैं। जी जी, तो सर सबसे पहले ये बताइए कि सर ये कंपनी का लोकेशन कहाँ रहेगा? कंपनी की लोकेशन रहेगी ग्रेटर नोएडा में दादरी। मतलब आप लोगों को जो मैं बता दूं, ये यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, जिसका प्रखंड पड़ता है दादरी, और उसका विलेज जो है गौतम बुद्ध नगर के पास जो है तिलपता गोलचक्कर पड़ते हैं, वहाँ पे कंपनी है जिसका अभी नाम जो है पब्लिश नहीं किया गया। तो आप लोग जब यहाँ पे आएंगे तो आपको नाम जो है कंपनी का डिटेल बता दिए जाएंगे, ठीक है? तो सर इसमें क्या चीज़ फैसिलिटी है और कौन से स्कीम पे इस पे काम हो रहे हैं, ये प्लीज़ ब्रीफ कर दीजिए। मैं बताता हूँ, प्लीज़ आप सभी ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, शॉर्ट वीडियो रहेगी, कोई वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। तो हम सीधे मुद्दे के बात पे आते हैं। इस कंपनी में जो स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 10,393 रुपये, ओके, स्टाइपेंड 8 घंटे का, बिल्कुल, और 1,000 रुपये उसका अटेंडेंस अवार्ड मिलेगा। ये 8 घंटे का? हाँ, 8 घंटे का 10,393 रुपये, ओके। और जो उसको 26 दिन प्रेजेंट ड्यूटी में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं अटेंडेंस अवार्ड, वो मिलेगा 1,000 रुपये, ओके, 1,000 रुपये अटेंडेंस अवार्ड। हाँ, ये 26 ड्यूटी अगर पूरे महीने में करते हैं तो इनको एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा, स्टाइपेंड के अलावा, ओके। और इसमें एक अलाउंस रहता है, इसको हम बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस, वो होता है 30 रुपये पर डे आने जाने में किराया कंपनी बच्चे को दे दी, ओके। मैं बता दूं आप लोगों को, कन्वेंस अलाउंस ये होते हैं कि आप आने जाने के लिए जिस ट्रेवल का यूज करते हैं, आपको उस कंपनी में फैसिलिटी तो नहीं दी जाती है, बट उसके बदले जो है आपको एक्स्ट्रा कन्वेंस देते हैं, जो आने जाने का आपका खर्चा होता है, जिसके लिए आपको 30 रुपये पर डे आपको उस एक्स्ट्रा जो आपको कन्वेंस होगा वो भी मिलेगा, ठीक है सर? तो उसमें और क्या फैसिलिटी है? और कैंटीन 20 रुपये में है, ओके, हाँ, आसपास के एरिया में सबसे अच्छी कैंटीन उस कंपनी में है, ओके, हाँ, जो कैंटीन का चार्ज है वो 20 रुपये उसकी सैलरी से ही कटता है। अच्छा, उसके चार्जेस करते हैं, हाँ। क्या इसमें नाश्ता और चाय का भी फैसिलिटी है? बिल्कुल, चाय, नाश्ता, स्नैक्स है। क्या ये सारे चीज जो है ऐड होता है 20 रुपये में? हाँ, सब कुछ 20 रुपये में। अच्छा, तो नाश्ते भी आ जाते हैं ये 20 रुपये? नाश्ते का ये है, नाश्ते का अलग कटता है, उसको पूरे महीने का 120 रुपये। अच्छा, मतलब कहने का मतलब खाना का जो है आपको चार्जेस जो है, अगर आप खाना खाते हैं उसमें, जो कि आपको बाहर में अगर खाएंगे तो वो प्लेट कम से कम 200-250-300 रुपये का आपका प्लेट होगा, बट अगर आप उस कंपनी में यूज करते हैं तो आपको सब्सिडी रेट मिलता है जिसका अमाउंट होता है 20 रुपया। इसके अलावा जो है कंपनी में आपको फैसिलिटी मिलेगा नाश्ता और चाय, जो कि सभी इम्प्लॉय यूज करते हैं, वही आपको भी मिलेगा, जिसके लिए उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है, वो फिक्स होता है मंथली, जिसका चार्ज होता है 120 रुपये, ठीक है? तो सर ये तो खाना और नाश्ता की बात रह गई, और क्या फैसिलिटी देते हैं कंपनी? और यहाँ पे है ओवरटाइम। ओवरटाइम है डबल। ओवरटाइम डबल मतलब 8 घंटे के बाद जो ड्यूटी करेंगे ओटी में, 8 घंटे से ऊपर करेगा उसको ओवरटाइम में काउंट होगा, ओके, 10,393 रुपए से उसको डबल मिलेगा वो, ओके, एक घंटा काम करता है वो व्यक्ति 8 घंटे से ऊपर तो उसको 2 घंटे का पैसा मिलेगा, ओके। तो आपको बता दूं कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड है इस कंपनी में तो आप लोग इसमें ज्वाइन कीजिएगा। उससे पहले क्या है कि ये ओटी का जो फंडा बहुत सारे कैंडिडेट को क्लियर नहीं होता है, तो मैं बता दूं कि जो आपका स्टाइपेंड 10,393 मिलता है वो 8 घंटे के काम करेंगे 26 दिन तक, तब जाकर मिलेगा। तो आप उसका 1 दिन का निकाल लीजिए, उसके बदले में 1 घंटे का निकालिए, 1 घंटे में जो मिलेगा आपको पेमेंट उसका आपको डबल मिलेगा अगर 1 घंटे ओटी करते हैं कंपनी के अंदर में काम तब, ठीक है? तो ये था ओटी के मामले में। उसके बाद सर इसको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है इस कंपनी में ज्वाइन करने का? बेनिफिट मान के चलूं, ये कंपनी ऐसी है जो बच्चों को एजुकेशन कराती है, ओके, हाँ, ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट 2 साल की ITI कराती है NCVT से, नेशनल काउंसलिंग से। जो बच्चा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस सब कुछ हम करते हैं, उसके कंपनी में क्लासेस चलती हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं बच्चों के, उसमें क्लासेस चलती हैं पर डे, तो 2 साल का हमारा कोर्स है।
ओके तो सर इसमें क्या जो कोर्स करवाएंगे कंपनी क्या उसके लिए फी पे करने पड़ते हैं बच्चों? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई फीस नहीं है कंपनी में, क्योंकि सर जॉइनिंग का चार्ज, सर अभी मार्केट में क्या हो गया कि सबसे ज्यादा वहम फैल गया है कि जो कोर्स करवाते हैं उसके पैसे काटे जाते हैं या पैसे लेते हैं, तो क्या इस कंपनी में पेमेंट करते हैं बच्चों के लिए या इनका कंपनी ही प्रोवाइड करती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे से कोई भी एक पैसा नहीं कटता है, ना कोई पैसा उससे जॉइनिंग के टाइम पर लिया जाता है। और ये कंपनी ऐसे, यदि आप कंपनी में दो दिन भी काम करेंगे तो कंपनी आपको दो दिन का भी पैसा देगी पूरा। ओके, तो ये सारे फैसिलिटीज रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए कि बच्चे जो क्लास करेंगे, जो आईटीआई कर रहे होंगे, उनके लिए क्लास के लिए क्या उसके ड्यूटी आवर में ही उनको क्लास करने होंगे या ड्यूटी के बाद, या उसके लिए कोई अलग ओटी मिलता है? मैं आपको बता दूं राहुल, जैसे बच्चा अपने सपोज करो 20 मिनट में आया जी, 2 बजे से उसकी ड्यूटी है, तो हम उसको 1 बजे बुलाएंगे ताकि वो 1 घंटे के अपने क्लासेस कर सके कंपनी में आकर, और 2 बजे से अपने ड्यूटी जा सकता है। ओके, और हम पर डे उसके ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं गूगल मीट के थ्रू, हमारे बच्चे ग्रुप में ऐड होते हैं, सारी कंपनी से ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पे हम उनको लिंक डालते हैं और वो उसके थ्रू जाके ज्वाइन करते हैं गूगल मीट पे जाके। अच्छा, वहाँ से उनके कोर्सेज होते हैं। हाँ, है ना। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लेक्सी एमओयू के थ्रू जो है स्कीम के थ्रू आपको आईटीआई करवाई जाती है, इसमें क्या होता है कि एजुकेशन बेस्ड जो है आपको जॉब प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका एजुकेशन तो कंप्लीट होता है, साथ में आपको पढ़ाई भी मिलता है यहाँ पे, और नौकरी तो पहले ही मिल जाती है। तो आपको सबसे बड़ा फैसिलिटी ये है, फायदा ये है कि आप अपना पढ़ाई से लिंक नहीं तोड़ेंगे, और इसके साथ साथ आपका कंटिन्यू टेक्निकल कोर्स के साथ आपको इनरोल किए जाते हैं, ताकि आप आगे जो है फ्यूचर में इसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और अपने ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको फायदा क्या है कि कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं 8 घंटे तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेज भी मिलेंगे, जिसके लिए जो है आप कोर्स कर रहे हैं, तो उससे आपको नॉलेज मिलेगा। नॉलेज के साथ साथ आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे आपके पास अगर डिग्री हो जाता है, अगर नॉलेज नहीं होती है तो आपको वो डिग्री कोई काम का नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी खुद के बलबूते पर या खुद अपने जो है प्रोवाइड करते हैं कोर्सेज, और आपको ट्रेनिंग करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा सर और क्या फैसिलिटी है इसमें? फैसिलिटी तो बहुत है कंपनी में, मैं एक चीज बता दूं कि जो कंपनी का क्राइटेरिया वो है नोएडा से कम कंपनी से बच्चा 300 किलोमीटर दूर का होना चाहिए। आप लोग सभी लोग इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि कोई भी कैंडिडेट अगर 300 किलोमीटर से ऊपर का है तो आप लोग जरूर इस नंबर पे जो है आपको लास्ट में नंबर देंगे, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, और बिना कॉल करे कोई भी व्यक्ति ना आए। ओके सर, इसके क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th होनी चाहिए, उम्र उसके 18 से 35 साल होनी चाहिए, कोविड की उसको दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए, उसके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ये ना समझे कि हम लोग उसको जमा करेंगे, सिर्फ कंपनी उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेगी और सेम टाइम उसको रिटर्न कर देगी, और हमें सिर्फ उसकी फोटोकॉपी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। कि इसमें देखिए, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, कुछ लोगों का कन्फ्यूजन आता है कि सर जो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तो क्या कंपनी रख लेगी, तो आप लोग बेफिक्र रहे, इसमें किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं रखे जाते हैं। आप जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाएंगे आपको वेरीफाई करके तुरंत ही आपको वापस कर दिए जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग इंश्योर रहे कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है डॉक्यूमेंट में, सिर्फ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लाए जब भी इंटरव्यू हो। तो सर इसका इंटरव्यू कब है और प्लेस क्या रहेगा? इंटरव्यू इसका होगा शनिवार को 24 तारीख है जी, और जो एड्रेस रहेगा Sector 63 D215 नोएडा, सुबह कैंडिडेट्स को 9 बजे यहाँ पे आना होगा। तो अब सभी साथियों को मैं बता दूं, जैसा कि सर बताए हैं आपको डेट और प्लेस का कंफर्मेशन कर दिया है, फिर भी मैं बता दूं आप लोगों को एक बार रिपीट कर दूं उस चीज़ का, और मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिटेल में, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड्रेस दे दूंगा आपको, और इसका डिटेल बता दूंगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको उसमें मेंशन कर दूंगा, और आप लोग उस कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर और जानकारी लेना होगा तो सर से, राकेश सर से आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको नंबर दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस इतना ही था, ठीक है सर, और कुछ सर जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? बस आगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते रहेंगे आपसे। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया कॉस्टली, थैंक यू, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग भी इसको लास्ट तक शेयर कीजिएगा, जितने फ्रेंड है फ्रेंड सर्कल में आप लोग शेयर कीजिए। बस इतना ही था, थैंक यू सो मच, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।